नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मैनपुरी के कस्बा बरनाहल के एके इंटर कॉलेज में 3 सितंबर 2024 को दिन के 1:45 पर कार्यस्थल पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण और अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से वार्ता भी करेंगे। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता का कहना है कि 27 अगस्त 2024 के दिन करहल विधानसभा के एक विद्यालय में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी पहुंचे थे। उन्होंने भी टैबलेट वितरण शिलान्यास कई योजनाओं को जनता तक सीधे पहुंचाने की बात कही थी। लोकसभा क्षेत्र की जनता कह रही है कि विधानसभा करहल उपचुनाव होने वाला है, इसलिए करहल की जनता को लुभाने के लिए बल लगाने के लिए प्रदेश के नेता पहुँच रहे हैं। यूपी चुनाव अगर नहीं होता तो शायद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से लेकर अन्य कोई भी मंत्री नहीं आते। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के लिए हजारों कुर्सियां, पेयजल, पंखा, कूलर और एक बड़ा सा मंच तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के लिए जोर शोर से तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से प्रदीप सैनी की खास रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।